हेलो एवरीवन एंड वेलकम पेनेशिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनाउंसमेंट्स दैट मेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने टेंथ फरवरी को कुछ अनाउंसमेंट्स की थी आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि वो अनाउंसमेंट्स क्या थी उनके अंदर जो की हैं उनके टर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए जरूरी है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक कंडीशन को समझने के लिए भी हमारे बहुत कम आएगी सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट बिगिन जस्ट एक मैसेज आपको देना चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन प्रेस करें और आपको नोटिफिकेशन भी साथ साथ में आती रहेंगी जो भी वीडियोज हम बनाते हैं इंफॉर्मेशन आपको देते हैं वो आप तक पहुंचती रहेगी सो लेट ए स्टार्ट खबर इस प्रकार से आपको अखबारों में दिखेगी कि आरबीआई बी डजेंट हाइक पॉलिसी रेट्स एंड रूट्स फॉर ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी सारी चीजें समझाऊंगा मैं पॉलिसी रेट्स को हाइक करना क्यों नहीं आरबीआई ने डिसाइड किया पॉलिसी रेट्स होते क्या है ये सब डिस्कस होगा आज सो डोंट वरी एंड जस्ट लिसन टू मी तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि आप कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करते हो आप ज़्यादा मनी सप्लाई रखना चाहते हो मार्केट में ज़्यादा लोगों के पास लेंडिंग करवाना चाहते हो पैसा ज़्यादा फ्लो करवाना चाहते हो या आप पैसे को कम करना चाहते हो और उसके अलग अलग, अलग कारण हो सकते हैं और उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कि आप लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरीके से कितने अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई मार्केट में बनी रहनी चाहिए वो रेगुलेट करते हो और वो रेगुलेट करने की जिम्मेदारी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की है जो आरबीआई के अंदर बनाई गई है साल 2015 में आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपस में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के दौरान यह डिसाइड किया गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें छ मेंबर्स होंगे उन छह में से तीन मेंबर्स आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और तीन मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो छह के अंदर मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट करना है और इनको एक टारगेट दे दिया गया था क्या वो था इन्फ्लेशन टारगेट करना महंगाई टारगेट करना और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर को फॉलो करती है इन्फ्लेशन चेक करने के लिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यह बोला गया कि चार परसेंट के पास हमने टारगेट रख देना है उससे प्लस माइनस टू परसेंट इन्फ्लेशन रह सकती है महंगाई की दरें जो हैं वो चार परसेंट से ज्यादा दो परसेंट यानी छह परसेंट या टू परसेंट तो टोटल पॉलिसी का इन्फ्लेशन का कॉरिडोर क्या हो गया टू परसेंट टू सिक्स परसेंट यह सबसे प्राइमरी टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का और ये फॉलो करना है कि आपने इस तरीके से पैसे की सप्लाई बनानी है जिससे इन्फ्लेशन रेट जो मार्केट में है वो दो परसेंट से सिक्स परसेंट रहे अब मॉनेटरी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच में हम कैसे लिंक बनाते हैं थोड़ा सा आपको मैं डेटा बता देता हूं तो दोस्तों मार्केट में मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच में एक तरह से डायरेक्ट लिंक होता है यानी कि मार्केट में जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और जब मनी सप्लाई कम की जाती है तो इन्फ्लेशन भी कम होता है महंगाई भी कम होती है ऐसा क्यों होता है इसके कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं जो आज हम करंट अफेयर्स के टॉपिक है इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते बट ये पॉइंट आपने जरूर याद रखना है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करती है लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है एबिलिटी टू टर्न एन एसेट इंटू कैश कोई भी एसेट अगर आसानी से तेजी से कम दामों पर और मार्केट वैल्यू के प्राइसिस पे अगर इजीली रेगुलेट हो सके कैश में कन्वर्ट हो सके जिसको आप इजीली खर्चा कर सको इजीली ट्रांजैक्शन कर सको उसे कहते हैं लिक्विडिटी तो लिक्विड एसेट्स क्या होता है कैश स्टॉक बॉन्ड्स ये सब जो मार्केट में होते हैं इलिक्विड क्योंकि आप इनका ट्रांजैक्शन बड़े आसानी से कर सकते हो लेकिन इलिक्विड यानी कि नॉन लिक्विड एसेट्स होता है वो चीजें जिनको आपने खरीद बेच करने में बड़ी दिक्कत होती है जैसे लैंड हो गया प्रॉपर्टी हो गई ये सारी चीजें नाउ लिक्विडिटी इंक्रीज करना मतलब आप इन्फ्लेशन को भी बढ़ावा देते हो क्योंकि मार्केट में अगर एक प्रोडक्ट है मान लीजिए और सब लोगों के पास जेब में सौ सौ रुपए हैं तो एक प्रोडक्ट की वैल्यू मान लीजिए सौ रुपए हो गई अब मैंने सब लोगों में हजार हजार रुपए बांट दिए नाउ पीपल विल हैव मोर मनी फॉर दिस सेम प्रोडक्ट एंड दे विल स्टार्ट बाइंग दिस प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस क्योंकि वो बिड करने की कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा प्राइस में भी खरीदने को तैयार है क्योंकि हमारी जेब में बहुत सारा पैसा है तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ती है इन्फ्लेशन भी बढ़ता है इस तरीके से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है अपने पॉलिसी रेट से जो हम आगे जानने वाले हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके की हो सकती है एक हो सकती है एक्सपेंशनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट का मतलब कि जब आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हो आप मनी सप्लाई तब बढ़ाते हो जब इकॉनमी रिसेशन में चल रही होती है या इकोनॉमी में आपको लगता है लोगों की जेबों में पैसा नहीं है अनएंप्लॉयमेंट ज्यादा है तो इस वजह से जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे हमने देखा कि आरबीआई ने 2020 में एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल की उसका उल्टा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जहां पे आप मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करते हो उसका रीजन होता है कि तो इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ेगी अब हम ये समझते हैं कि आरबीआई काम करता कैसे है, का क्या होता है जिसको ये अनचेंज रखा हुआ है पिछली दस मीटिंग से अब आरबीआई का सबसे पहला पॉलिसी रेट होता है रेपो रेट और इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बोला जाता है क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया लिक्विडिटी घटाने या बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है रेपो रेपो रेट 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 क्या होता है? Repo rate होता है है द द परसेंटेज इंटरेस्ट एट आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक तो हमारी कंट्री में जो कमर्शियल बैंक्स हैं चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो वो सभी आरबीआई से पैसे बोरो कर सकते हैं वो भी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है तो शॉर्ट टर्म मतलब एक दिन सात दिन चौदह दिन ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे बोरो कर सकते हैं उसके बदले में आरबीआई को इन्हें कुछ कोलेटरल देना पड़ता है क्योंकि जब भी आप पैसा बोरो करते हो आपको क्या देना पड़ता है साथ में कोलेटरल अमाउंट देना पड़ता है कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है उस सिक्योरिटी के बेसिस पे इनको पैसा मिलता है तो ये सिक्योरिटी क्या होता है ये जनरली इनके पास जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पड़े होते हैं ठीक है जो इन्होंने खरीदे होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो पड़े होते हैं उसको सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं और वापस जब इनको पैसा देना है तो इनको कैश और इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा तो ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है ये हो गया क्या हो गया पॉलिसी रेट एंड दैट इज कॉल्ड रेपो रेट नाउ अगर ये पॉलिसी रेट ज्यादा होगा मीन्स इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो बैंक्स कम बोरोइंग करेंगे आरबीआई से ठीक है ऑब्वियस ही बात है क्योंकि इनको वापस में रिटर्न में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस वजह से आरबीआई जब पॉलिसी रेट इंक्रीज करता है तो इसका मतलब वो कौन सी पॉलिसी अपना रहा है वो अपना रहा है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यानी मनी सप्लाई को कम करने वाली तो ये सिंपल आपको समझना है कि अगर आरबीआई पॉलिसी रेट को इंक्रीज करता है तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बना रहा है वो नहीं चाहता कि ज्यादा बैंक बोरो करें क्योंकि बैंक्स जो बोरो किया हुआ पैसा है वो वो क्या करते हैं उस पैसे का वो लोगों को लोन लोगों को लोन लोन देते देते हैं हैं आगे जब लोगों लोगों की जेब में और पैसा आता है और जब जेब में और पैसा आता है तो उससे इन्फ्लेशन आती है अब अगर पॉलिसी रेट को डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा एट विल बी कॉल्ड एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी क्यों क्योंकि जब आप पॉलिसी रेट को डिक्रीज करते हो रेपो रेट को डिक्रीज करते हो तो आपके बैंक ज्यादा ज्यादा आपसे पैसे बोरो करेंगे क्योंकि उनको पता है कि जब उनको रिटर्न करना है तो कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा तो जब बैंक ज्यादा पैसे बोरो करेंगे तो आगे के बोरोअर्स को वो ज्यादा पैसे देंगे और जब उनकी जेब में ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पैसा एक्सपेंड हो जाएगा मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी इस तरीके से आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है पहले रेपो रेट के केस में क्या हो रहा था बैंक जा रहे थे आरबीआई से पैसा ले रहे थे यहां पे क्या होगा आरबीआई जाएगा बैंक के पास और बैंक से पैसा लेगा और रिटर्न में कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा अगर बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करना चाहता है तो उसको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा यह होता है रिवर्स रेपो रेट दोबारा सुन ले अगर बैंक आरबीआई के पास जाए और उसके पास पैसे डिपॉजिट करवा दे तो जितने इंटरेस्ट रेट पे उसने डिपॉजिट कराया है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो आमतौर पे रेपो रेट जो होता है वो रिवर्स रेपो से हमेशा ज्यादा होता है रीजन रीजन क्या है रीजन ये है कि अगर रिवर्स रेपो रेपो रेट से ज्यादा होगा तो सारे के सारे बैंक क्या करेंगे पैसा आगे बॉर को नहीं देंगे वो आरबीआई के पास जाके जमात कराते रहेंगे और आरबीआई ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि मार्केट में लेंडिंग एक्टिविटीज लोन गिविंग एक्टिविटीज हमेशा चालू रहनी चाहिए चलती रहनी चाहिए तो इस वजह से रिवर्स रेपो और रेपो रेट दोनों को मेंटेन किया जाता है जिसमें रिवर्स रेपो हमेशा ही रेपो से कम होगा ये गारंटीड है आप देख लेना कभी भी ना जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है हर दो महीने बाद तो वो लोग ये बताते हैं कि हमारा स्टांस क्या रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर तो एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रेक्शनरी दो तरीके की मॉनिटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी में मनी सप्लाई बढ़ता है इस बार की मॉनिटरी पॉलिसी में जो स्टांस है वो रहा है अकोमोडेटिव अकोमोडेटिव का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक कह रहा है कि हम मनी सप्लाई को आगे बूस्ट ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आगे काम करेंगे इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में हमारा ये इंटरेस्ट रहेगा कि या तो हम सेम इंटरेस्ट रेट रखेंगे सेम रेपो रेट रखेंगे या हम उसको कम कर देंगे अगर कम कर देंगे तो क्या होगा लेंडिंग बढ़ जाएगी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो ये एक्सपेंशनरी की तरफ जाएगा रेट हाइक नहीं होगा ये इन्होंने पहले ही बता दिया तो कॉम्पिटेटिव स्टेंस का मतलब कि अगली मॉनिटरी पॉलिसी में भी रेट बढ़ने नहीं वाला हाँ कम जरूर हो सकता है कौन से रेट की बात कर रहा हूं रेपो रेट रेपो रेट इज इक्वल टू पॉलिसी रेट अगर आरबीआई कहता है कि हमारा चांस न्यूट्रल है तो इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है वो कट कट भी कर सकता है अगली मीटिंग के बाद वो बढ़ा भी सकता है अगर वो कहता है कि हॉकिश हॉकिश का मतलब है कि उसने मनी सप्लाई को टाइट करना है ठीक है हॉकिश और डबिश दो शब्द इस्तेमाल होते हैं हॉकिश का मतलब है चील की तरह नजर रखनी है कंट्रोल रखना है तो हॉकिश का मतलब कि आपको इन्फ्लेशन कम रखना है इन्फ्लेशन कम रखना है तो इसका मतलब आपको पॉलिसी रेट इंक्रीज करने पड़ेंगे क्योंकि मनी सप्लाई को कम रखना पड़ेगा तो इस वजह से आगे जाके ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे हॉकिश तांस का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का क्या मतलब है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब है कि मनी सप्लाई को टाइट जरूर करना है लेकिन एकदम से नहीं स्टेज वाइज तो अगली बार क्या होगा 0.25 परसेंट पॉलिसी रेट बढ़ जाएगा ठीक है, फिर उससे अगली बार पॉइंट परसेंट और बढ़ जाएगा तो ऐसे करते करते हम स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी रेट बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहने की वजह से क्या होगा कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी तो होगी लेकिन स्टेप वाइज एकदम से नहीं हो जाएगी तो ये शब्दों की मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए इस बार फेबर 10 वाली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का स्टांस क्या रहा है अकोमोडेटिव ये मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं हो सकता है कि टेक्निकल डिटेल्स इससे वेरी करती हूं लेकिन गलत नहीं है इन मैं उसमें कुछ भी नहीं बता रहा हूं आपको तो जब आपको पॉलिसी रेट और रिवर्स रेपो का मतलब समझ आ गया तो आप ये देख सकते हो कि अनाउंसमेंट का मतलब क्या है मे ट्वेंटी टू में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पॉलिसी रेट घटाए गए थे और तब से सेम है तो इसका मतलब रेपो रेट जो है वो फोर परसेंट पे चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी से लेके और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 परसेंट पे चल रहा है 2020 से अभी तक और यही स्टांस आरबीआई ने आगे कंटिन्यू किया है पॉलिसी रेट के अलावा आरबीआई ने और भी कुछ अनाउंसमेंट्स की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ ये अनाउंसमेंट्स की देखते हैं इनका क्या मतलब है ये उन्होंने कहा पहला कि रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना रहेगा उनके हिसाब से वो रहेगा 7.8 परसेंट फाइनेंशियल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी में रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा 7.8 परसेंट अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था कि 8 से लेके 8.5 परसेंट रहेगा जीडीपी ग्रोथ रेट और आपके जो बजट आया था बजट ने कहा था नाइन पॉइंट टू रहेगा तो लेकिन आरबीआई थोड़ा सा इसको कम रख रहा है क्योंकि आरबीआई को अभी भी भरोसा नहीं है कि जो कोविड के वेरिएंट्स आते जा रहे हैं उसके बाद कितने लॉकडाउन लगेंगे सो दे आर नॉट टेकिंग रिस्क दे से हा से पॉइंट एट परसेंट ग्रोथ रेट रहेगा इन्फ्लेशन की बात करें महंगाई की बात करें जिसको टारगेट करता है आरबीआई उसके लिए आरबीआई ने कहा है कि अगले साल साढ़े चार परसेंट रहेगा साढ़े चार परसेंट रहेगा का मतलब है कि आपका जो टारगेट है टू टू सिक्स परसेंट का रेंज उसके अंदर ही रहेगा और यही एक कारण है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया नहीं जबकि अगर आप बाकी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स देखोगे अमेरिका के देखोगे अमेरिका में 40 सालों में सबसे हाईएस्ट लेवल पे महंगाई पहुंची हुई है अब से हम पॉलिसी रेट इंक्रीज करेंगे ताकि महंगाई कम हो लेकिन आरबीआई ने ये नहीं किया क्योंकि आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया कि हमारे महंगाई इतनी नहीं बढ़ने वाली साढ़े चार परसेंट तक रहेगी एक और इन्होंने अनाउंसमेंट की कि पिछले साल अगस्त के महीने में ई रुपी डिजिटल वाउचर अनाउंस किए गए थे जो एक तरह से मेथड ऑफ पेमेंट है मोड ऑफ पेमेंट है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसकी अपर लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी गई है एक लाख रुपए तक फिर एक और अनाउंसमेंट की क्या कि वॉलेंट्री रिटेंशन स्कीम वॉलेंट्री रिटेंशन स्कीम क्या होता है कि आप अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर हैं सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आप इंडिया के बॉन्ड मार्केट्स में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो लेकिन आपको यह प्रमोट करना है इंडिया को यह प्रमोट करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें दो साल तीन साल से ज्यादा इन्वेस्ट करें ऐसा ना करें कि एक महीने आपने पैसे लगाए मार्केट में अगले महीने निकाल दिए तो यह वॉलिटिलिटी को कम करने के लिए एक स्कीम आई थी दो में जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आप इंडिया की बॉन्ड मार्केट के अंदर इंडिया में आके गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं कमर्शियल बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपको कुछ मिलेंगे मिलेंगे कब मिलेंगे? अगर आप तीन साल तक अपने पैसे को वापस लेके नहीं जाते हो अब उस स्कीम के अंदर कुछ लिमिट थी अपर उसकी पचास हजार करोड़ एक लाख करोड़ डेढ़ लाख करोड़ ऐसे लिमिट थी कि इतने करोड़ तक ही उसमें पैसा आ सकता है उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है क्योंकि देखा गया कि कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा कि हम टर्म लिक्विडिटी विंडो इंक्रीज करने वाले क्या होता है भाई टर्म लिक्विडिटी विंडो का मतलब है कि जब कोविड पैंडमिक आया था तो दो सर्विसेज दो सेक्टर्स को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी लेंडिंग की जरूरत थी एक था इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज और दूसरा था कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर जिनका लॉकडाउन लगने पर सबसे भारी नुकसान होता है तो टूरिज्म वाले जो सेक्टर है होटल वाले जो सेक्टर है ये सारे सेक्टर्स को आरबीआई ने कहा था कि हम क्या करेंगे हम बैंक्स को कुछ पैसा देंगे अगर बैंक उस पैसे में से इन दो सेक्टर्स को लोन देते हैं तो बैंक को कुछ सुविधाएं मिलेंगी एक्सेस सुविधाएं मिलेंगी कैसे मान लीजिए रेपो रेट में उस बैंक को उस पर्टिकुलर बैंक को थोड़ा सा कमी नजर आएगी तो अगर अगली बार वही बैंक आरबीआई के पास जाएगा तो उसको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि उसने इन दोनों सेक्टर्स को लोन दिया होगा तो ये इंसेंटिव स्कीम जो है टर्म लिक्विडिटी की स्कीम जो है उसकी एक्सटेंशन कर दी आरबीआई ने कि और आगे तक ये चलती रहेगी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि खत्म होने वाला था इसका टाइम आखिरी आरबीआई ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप के लिए गाइडलाइंस निकाली और यह क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप होता क्या है बेसिकली क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप यह है एक डॉक्यूमेंट जिसमें तीन पार्टीज होती हैं है एक इंडिविजुअल जो बॉन्ड इशू करता है बॉन्ड इशू करने वाले इंडिविजुअल का पर्पस ये होता है कि वो बॉन्ड पे लिखता है कि आठ इंटरेस्ट रेट पे और पांच साल के टर्म के बाद बॉन्ड मैं आपसे वापस खरीद लूंगा तो यह एक लाख रुपए का बॉन्ड आप मुझसे खरीद लो तो बॉन्ड ईश्वर को पैसे चाहिए होते हैं ठीक है वो अपना बॉन्ड इश्यू करता है जिसके बदले में उसको एक लाख रुपए मिलता है पांच साल के बाद वो आठ परसेंट इंटरेस्ट पे इसको वापस दे देगा सो इट इज जस्ट लाइक बोरोइंग मनी लेकिन हम बैंक में नहीं बोरो करते जाके हम अपना बॉन्ड इश्यू करते हैं अब अगर बॉन्ड होल्डर यानी कि जिसने बॉन्ड खरीदा है उसको लगता है कि मेरे को रिपेमेंट नहीं मिलेगी उसको अगर ऐसा लगता है कि मुझे रिपेमेंट नहीं मिलेगी बंदा मुझे रिपे नहीं कर पाएगा तो उसके लिए मैं एक सिक्योरिटी कर लेता हूं अपना एक इंश्योरेंस की तरह कर लेता हूं थर्ड पार्टी से तो तीसरी पार्टी आ जाती है जो क्रेडिट का डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट सेल करती कहने का मतलब अगर ये बॉन्ड इश्यूअर अपना पैसा वापस देने में नाकामयाब रहा तो बॉन्ड होल्डर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बॉन्ड ये थर्ड पार्टी रिपे कर देगा ठीक है लेकिन इस थर्ड पार्टी को आपको मंथली प्रीमियम भी देना पड़ेगा ऐसा नहीं फ्री में थोड़ी काम करेगा है ना फ्री में थोड़ी इसका जो लोन है वो अपने सिर पे ले लेगा नहीं इसको आप मंथली प्रीमियम भी देते रहोगे अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट रिसीप्ट ठीक है तो इनको आपस में फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है दिस इज कॉल्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्व नाउ वैन क्रेडिट डिफॉल्टॉप्स ट्रेड इन द मार्केट देर आर सब गाइडलाइंस वो गाइडलाइंस आरबीआई ने निकाली है हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो दैट वॉज ऑल अबाउट द अनाउंसमेंट्स बाय द आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी आई रियली होू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल एंड कीप वॉचिंग थैंक यू